नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। बीजेपी विधायक राम कदम ने दही हांडी के दिन दिए अपने बयान को लेकर आज महाराष्ट्र महिला आयोग से बिना शर्त माफी मांगी। महिला आयोग ने राम कदम को नोटिस जारी किया था। अरे माता, मोबाइल नंबर लिखून घ्या, 9। कोणतेही काम असेल तर साहेबांना भेटू शकता। साहेब, मी तिला प्रपोज केलं, मला नाही म्हणते, प्लीज मदत करा। चुकीचं आहे, 100% मदत करणार। आधी तुमच्या आई वडिलांना घेऊन यायचं। तुमचे आई वडील म्हटले, साहेब आम्हाला ही पोरगी पसंत आहे, तर काय करणार मी? आ, लग्न करून द्यायचं, तिला पळून आणणार आणि तुम्हाला देणार। बीजेपी विधायक राम कदम सोच रहे होंगे कि अगर वो जन्माष्टमी के दिन दही हांडी के कार्यक्रम में ये विवादित बयान नहीं देते तो अच्छा होता। जिस बयान की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल होना पड़ा और सभी पार्टियों ने राम कदम पर चौतरफा हमला बोला। इस सारे हंगामे के शुरुआती दिनों में राम कदम अपने बचाव में कहते रहे कि मेरा वीडियो तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। एक अधूरा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया वीडियो कई जगहों पर दिखाया गया, फैलाया गया। इसके बावजूद मैं उसका विवेचन न करते हुए, तमाम माता बहनों का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है, इसलिए कोई भी स्पष्टीकरण न देते हुए मैं नम्रता से क्षमा प्रार्थी हूँ। बात यही नहीं थमी, मामला महाराष्ट्र महिला आयोग तक जा पहुंचा। 5 सितंबर को महाराष्ट्र महिला आयोग ने राम कदम को नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा। अपना बयान या अपना कहना 8 दिन के अंदर वो महाराष्ट्र राज्य कमीशन के सामने दे दे, इस तरह के आदेश राज्य महिला आयोग ने राम कदम इनको दिए हुए हैं। करीब 11 दिन के बाद राम कदम ने महाराष्ट्र महिला आयोग को अपना जवाब देते हुए लिखा, मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं और आयोग को आश्वासन देता हूं कि मैं भविष्य में महिलाओं के कल्याण के लिए काम करता रहूंगा। इस पूरे विवाद पर पहले तो राम कदम अपना बचाव करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब महिला आयोग से माफी मांगते हुए राम कदम ने महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने का आश्वासन दिया। आज तक ब्यूरो। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। विरोधियों ने संजय निरुपम को मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। मुंबई कांग्रेस में एक बार फिर से दरारें दिखाई देने लगी है। पार्टी में पड़ी फूट अब सबके सामने आ गई है। मुंबई कांग्रेस के कई नेता महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम को हटाने की मांग लेकर पहुंचे। पूर्व मंत्री नसीम खान, कृपा शंकर सिंह, भाई जगताप और कई नेता संजय निरुपम को हटाकर मिलिंद देवरा को मुंबई कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक निष्पक्ष चेहरे की जरूरत है और उन्हें ऐसा लगता है कि मिलिंद देवरा इस पद के लिए उपयुक्त है। इन नेताओं को उम्मीद है कि अब उनकी मांग को पार्टी हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा और उनके मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर संजय निरुपम ने कहा कि वो राहुल गांधी की दी हुई सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। मैंने बताया, राहुल जी ने मुझे यहां अपॉइंट किया है, जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी को ईमानदारी से निभाना मेरा धर्म है और वो धर्म मैं निभा रहा हूं। जिस दिन हमारी पार्टी एक फैसला लेगी कि नहीं भाई, संजय निरुपम आप यहां काम नहीं करेंगे, मुझे 100% मान्य रहेगा। कांग्रेस नेताओं का एक और दल गुरदास कामत की पत्नी मारुख कामत के लिए उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए लोकसभा टिकट की मांग लेकर पहुंचा। गुरदास कामत के कैंप के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उनके देहांत के बाद शायद संजय निरुपम उनकी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हमेशा गुटबाजी का शिकार बना हुआ मुंबई कांग्रेस फिर से एक बार विवादों में आ चुका है और इस बार भी गुटबाजी ही उसका कारण है। मुंबई कांग्रेस के कई नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर ये मांग की है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम को अपने पद से हटाया जाए। अगर ऐसी ही गुटबाजी मुंबई कांग्रेस में रही तो अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ मयूरेश गणपत्ते, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में एक तरफ गणेशोत्सव की धूम मची है, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड भी बप्पा की आराधना में लीन है। अमिताभ बच्चन और अंबानी परिवार मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। मुंबई के लालबाग के राजा हर साल गणेशोत्सव के मौके पर सभी के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। दूर दराज से लोग यहां गणपति बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में क्या आम और क्या खास,
हर कोई बाप्पा की आराधना में लीन नजर आता है। हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन मत्था टेकने लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे। तो पहले आम लोगों की तरह खड़े रहकर लालबाग के राजा के दर्शन किए और उसके बाद शाम की आरती में भी शिरकत की। लालबाग के राजा के दरबार में केवल बिग बी ही नहीं बल्कि अंबानी परिवार भी पहुंचा। अंबानी परिवार से यहां मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी, अनंत अंबानी और अंबानी परिवार की होने वाली बहू श्लोका मेहता भी पहुंची। यहाँ केवल आकाश अंबानी ही नजर नहीं आए, उनके अलावा पूरा परिवार गणपति बाप्पा के दर्शन करने आया था। और हर साल की तरह इस साल भी संजय दत्त ने परिवार सहित बाप्पा की पूजा की और चौथे दिन बाप्पा को विदाई दी। कुल मिलाकर ये सभी गणपति बापा की भक्ति में लीन नजर आए और अब देखना ये है कि बापा की आराधना में लीन इन सभी पर इस साल गणपति बापा की कितनी कृपा होती है। आज तक ब्यूरो। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।